नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजय सिन्हा। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। कहते हैं मंदिर मस्जिद रब का घर है, मंदिर मस्जिद रब का घर है, रब के घर की क्या लड़ाई, इस कुर्सी ने आग लगाई। जी हां, हिंदुस्तान की तवारीख रही है कि हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं, हर त्यौहार को यहाँ सेलिब्रेट करते हैं और हर बार इसकी मिसालें भी दी गई हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों ने मिलकर इसकी मिसालें सामने रखी हैं, लेकिन इसके बीच राजनीति बाजों के द्वारा इन्हें बहकाने का काम भी किया जाता है, जिसकी वजह से ये आपस में लड़ जाते हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान की तवारीख रही है, हिंदुस्तान की परम्परा यही रही है कि हम सब मिलकर, हर जाति और हर धर्म के लोग मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। एक ऐसी ही मिसाल देखने को मिले एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के एक गांव से, एक ऐसी खबर हमारे पास आ रही है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल के जामुड़िया से हमारे पास खबर आ रही है। जामुड़िया के अंतिम छोर पर बसा है एक गांव देशेर महान, जो अजय नदी के बिल्कुल किनारे बसा है और इस गांव ने अपनी सार्थकता सिद्ध कर दी है। इस गांव ने बता दिया है कि आज भी जो है इंसानियत जिंदा है, आज भी धार्मिक सद्भाव जिंदा है, धार्मिक सद्भाव की मिसाल दी है देशेर महान गांव ने। इसमें यहां आपको बता दूं कि इस गांव में तकरीबन 350 परिवार रहते हैं और 350 परिवार मुस्लिम परिवार हैं। इन्हीं परिवारों के बीच एक परिवार हिंदू का परिवार भी है, राम धनु रजक का परिवार है, जो यहाँ रह रहा है, वर्षों से रह रहा है। अचानक राम धनु रजक की तबीयत ख़राब होती है, उसे निजी अस्पताल में दाखिल कराया जाता है और आज उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद एक सवाल खड़ा होता है कि उसे कांधा कौन देगा। तो उन्हें कांधा देने के लिए, रामधनु रजक को कांधा देने के लिए यहाँ के मुसलमान तैयार खड़े थे। यहाँ के मुसलमानों ने उन्हें कांधा दिया, सिर्फ कांधा ही नहीं दिया बल्कि कांधा देकर उन्हें शमशान घाट तक ले जाया जाता है और वहाँ जाकर अंतिम संस्कार की जो रस्में अदा की जाती हैं, अंतिम संस्कार की जो रस्में की जाती हैं, उनमें भी मुस्लिम संप्रदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रामधनु रजक का अंतिम संस्कार किया गया हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक। वाकई एक बड़ा मुद्दा है, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी सीख है हर कौम के लोगों के लिए, हर जाति के लोगों के लिए। आइए दिखाते हैं आप। তার মধ্যে একটাই হিন্দু পরিবার এখানে বাস করেন। তিনি বাস করেন গত প্রায় 40-45 বছর বাস করতেন। হ্যাঁ, তিনি আরকে কালকে নিয়ে বর্ধমান, এই দুর্গাপুর, রানীগঞ্জ, সমস্ত হেলথ ওয়ার্ড, আইকে সিটি, বিবেকানন্দ, গৌরীদেবী, হ্যাঁ সমস্ত কিছুকে হসপিটাল অ্যাডমিশন করার জন্য নিয়ে গেছিলাম। তাদের কথা অ্যাডমিশন হয়নি, তিনি ব্রেন স্ট্রোক করে ফেলেছিলেন। তিনাকে লাস্ট শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন রানীগঞ্জ পিএন মালিয়া নার্সিংহোমে। এগুলো সব আপনারাই করছেন? হ্যাঁ, এগুলো সব আমরা, আমি নিজে কালকে এরকম মারুতি করে নিয়ে গেছিলাম। কেন ওর পরিবার, পুরো গ্রামবাসীগণ সহযোগিতা করেছে। ওর পরিবারকে কেউ নেই? হ্যাঁ, ওর পরিবার একটা বড়ো ছেলে আছে, তিনি কলকাতায় থাকতেন, কালকে রাত্রে এসছেন। হ্যাঁ, ওর দুটো বেটি আছে, তারাও এসছেন, আর ওনার নাতি এসছেন, ওর পরিবার সবাই এসছেন। কী নাম ভদ্রলোকটা, কী বা করতেন? ওর নাম হচ্ছে রামধনি রাজাক, উনি কাপড় স্ত্রীর কাজ করতেন আমাদের গ্রামে, ধোবির কাজ করতেন। হ্যাঁ, ধোবির কাজ করতেন। আর এটা আমি জানাতে চাই অঞ্চল তথা সারা দেশ জুড়ে সাম্প্রতিক, হ্যাঁ, বজায় রাখার চেষ্টা করুন। হ্যাঁ, দেশ জুড়ে দেশবাসীকে জানাতে চাই এটা সাম্প্রতিক একটা ইয়ে বজায় রাখুন সকলেই, যা যে কোনো কিছু ব্যাপারে একটা মানুষের, একটা মানুষ পাশে দাঁড়ানো একটা মানুষের ধর্ম, ঠিক আছে? এটাই আমি দেশবাসীকে জানাতে চাই। হিন্দু বলে যে মুসলিম সহযোগিতা করবো না, এটা কিন্তু নয়। আপনার নাম? আমার নাম শেখ ফেরদৌস, দেশের মহান গ্রাম।
एक दिसंबर से कुछ खास बदलाव होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने यह संकेत दिया है कि 1 दिसंबर से कुछ बड़े बदलाव होंगे। हमारे पास जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 1 दिसंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव आएगा और आरटीजीएस करने के जो तरीके हैं उसमें भी बदलाव आएगा, यानी 2400 घंटा अब आप आरटीजीएस कर पाएंगे। बैंक आपको ये फैसिलिटी देगी, आप 2400 घंटा कभी भी तकरीबन 2 लाख रुपए से ज़्यादा आप आरटीजीएस करके रकम इधर से उधर कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को और आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आप आरटीजीएस के जरिए रकम भेजना चाहते हैं तो 2400 घंटा आप उन्हें रकम भेज सकते हैं। और भी कुछ तरह के बदलाव किए जा रहे हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर देखिए, आपको खास बात इंडिया के फेसबुक पेज पर साफ साफ दिख जाएगा। आप हमारे वेबसाइट www.खासबात.coin पर भी खास नजर रखें, आपको पता चल जाएगा कि आखिर और क्या बदलाव किया जा रहा है। आइए आपको एक और अहम खबर से हम जोड़ते हैं, क्योंकि रक्त की कमी हमेशा रहती है और रक्त की कमी की वजह से लोगों की जानें भी जाती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए आसनसोल में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया और इस मेगा ब्लड डोनेशन कैंप के आयोजन में काफी तादाद में स्वेच्छा से लोगों ने रक्तदान किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी समाज सेविका चैताली तिवारी। आमी अभिनंदन जानाई राइजिंग आसनसोल सह विभिन्न स्वेच्छासेवी संगठन विभिन्न एनजीओ जरा आज के रक्तदान मेला अंशग्रहण कर আমি কৃতজ্ঞতা জানাই এই জেলা জেলা শাসকের প্রতি, এই পুলিশ কমিশনারের প্রতি যারা একটু আগে এসে এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পগুলি পরিদর্শন করেছেন এবং রক্তদাতাদের উৎসাহ বর্ধন করেছেন। COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए बंगाल सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने यह फैसला किया है कि दिसंबर में भी बंगाल के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे और बाज़ाब्ता ऑनलाइन पढ़ाई जैसे की जा रही है वैसे ही पढ़ाई होती रहेगी, क्योंकि COVID-19 का खतरा महसूस किया जा रहा है। आज उन्होंने विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ वर्चुअली बातचीत की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बातचीत की और बातचीत के बाद उन्होंने फैसला किया कि दिसंबर महीने में भी जो बंगाल के कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं उन्हें नहीं खोला जाएगा। इसके बाद उन्होंने हमारे संवाददाता को यह भी बताया कि जनवरी महीने में, अगले साल के जनवरी महीने में वो फिर से एक बार बात करेंगे विभिन्न यूनिवर्सिटीज के चांसलर्स से, वाइस चांसलर्स से और कॉलेजेस के प्रिंसिपल से बात करने के बाद वो तय करेंगे कि कॉलेजेस खोले जाएं या नहीं, यूनिवर्सिटीज खोले जाएं या नहीं। बहरहाल हम आपको एक और खबर से जोड़ना चाहते हैं, बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है। कुल्टी के नियामतपुर में एक मीडिया हाउस कोलफील्ड मिरर की ओर से दूसरी वर्षगांठ मनाई गई और दूसरी वर्षगांठ के मौके पर कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। कई गणमान्य अतिथि यहां मौजूद थे और अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकारिता को केंद्र करके अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त किए। मामला पैसे नहीं है, फिर भी जहांगीर छोटे भाई के इतना है अगर अगर चाहता हूँ अर्ज किया है। यहाँ महिलाएं हैं, महिलाओं से मोहब्बत के साथ चार मिश्रे उनकी नज़र कर रहा हूँ और अगर वो इन्हें बारीकी से देखेंगे, गहराई से सोचेंगे तो यकीनन ये एक मैसेज उनके लिए। अर्ज किया है कि कदर औरतों की खुद औरतों ने घटाई है। सभी को धन्यवाद देते हुए एक बात जरूर कहेंगे कि हमको यहाँ बुला के जो इज्जत दिया गया हम इसके लिए आभारी हूँ। यहाँ हमारे उपस्थित जो रिपोर्टर्स, जो पॉलिटिकल पर्सन जो बैठे हुए हैं, ये सभी को आप बुलाए हैं, ये हमारे अपने हम लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं। और अगर आप फिल्में देखते हैं तो आपको फिल्म याद होगी आशिकी, कुछ साल पहले ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और सुपर डुपर हिट हुई थी। इसके गाने भी काफ़ी सुपर डुपर हिट हुए थे। इस फिल्म के नायक थे राहुल राय। राहुल राय की तबीयत अचानक ख़राब हो गई, वह श्रीनगर में कारगिल फिल्म की शूटिंग कर रहे थे तभी उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया और उसके बाद उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में दाखिल कराया गया जहाँ उनकी तबीयत अभी भी ख़राब चल रही है और चिकित्सकों का ये कहना है कि उनके दिमाग में, उनके ब्रेन
में खून का थक्का जम गया था, जिसकी वजह से उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हो गया है। अभी कुछ दिन उन्हें रेस्ट करना पड़ेगा, उन्हें आराम करना पड़ेगा। इस तरह की बातें चिकित्सकों ने कही और मुंबई के नानावती अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है राहुल राय को। आइए एक और खबर से आपको जोड़ते हैं। हमारे पास बंगाल से ही अगली खबर आ रही है। बंगाल के कुल्टी स्थित नियामतपुर में कांग्रेस माइनॉरिटी सेल की तरफ से एक बैठक की गई। इस बैठक में माइनॉरिटी सेल के तमाम पक्षों पर चर्चा की गई और ख़ास तौर से मौजूद थे कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के राज्य अध्यक्ष शमीम अख्तर, और उनकी मौजूदगी में यहाँ महत्वपूर्ण पक्षों पर बातचीत की गई और कैसे संगठन को मजबूत बनाया जाए, माइनॉरिटी से जुड़े संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस पर खास तौर से चर्चा की गई। साहब को और उनके तमाम वर्करों को, टीमों को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। हमारे मंच पर बैठे हैं हमारे सीनियर जितने लोग हैं सभी को, आज ये जो प्रोग्राम रखा गया है हमारे जाकिर साहब ने जो प्रोग्राम रखा है महंगाई और वही टाइम पर टीवी महंगाई के बारे में नहीं बोलेगी और आके आप लोगों का सामने हिजाब पहन के क्या बोलेंगे कि हाल तो मुसलमान का रह रहा है। अगर मुसलमान का रह रहा ममता बनर्जी जी आप है तो मुसलमान में कितना प्रतिशत नौकरी आती है, इसका भी फादर पेपर आप निकालिए, व्हाइट पेपर निकालिए। मुसलमान के लिए नौकरी नहीं है, मुसलमान के लिए शिक्षा नहीं है, मुसलमान के लिए तरक्की के लिए कोई बात नहीं है। मुसलमान और हमारे पास अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के देवरनिया थाने में लव जिहाद का पहला मामला दर्ज करा दिया गया है। मामला दर्ज कराया गया है टीकाराम की तरफ से, जो देवरनिया गांव के रहने वाले हैं। टीकाराम का कहना है कि उनकी बेटी के साथ धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है। इसी गांव के रहने वाले एक युवक जो है उवैश अहमद, उन्होंने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन की बात कही और इसे लेकर एक मामला दर्ज कराया गया है देवरनिया थाने में। इस मामले को दर्ज कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंचाई गई है, योगी आदित्यनाथ तक। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस मामले पर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए एक और खबर से आपको जोड़ते हैं। हमारे पास खबर आ रही है बंगाल के कुल्टी से। कुल्टी के बराकर संवाददाता ने हमारे पास एक खबर भेजी है कि साकतोड़िया से तृणमूल कांग्रेस की एक बाइक रैली निकाली गई और यहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं विमान आचार्य, उनकी देखरेख में ये बाइक रैली निकाली गई जो साकतोड़िया से शुरू हुई, जो कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और बाइक रैली आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, बाइक रैली शुरू हुई साकतोड़िया से जो बराकर होती हुई कुल्टी और नियामतपुर तक आकर ख़त्म हुई और इस रैली में काफ़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया, काफ़ी संख्या में समर्थकों ने हिस्सा लिया। आज আপনারা জানেন যে ভারতবর্ষে যে কিষাণ বিরোধী বিল আমাদের মোদি সরকার এনেছেন তার প্রতিবাদে আমরা মমতা ব্যানার্জির অনুগামী আমরা তৃণমূলের কংগ্রেসের তরফ থেকে আমরা আজ কুলটিতে বিশাল এক র্যালির এবং ধিক্কার দিবসের আজ আয়োজন করছি। 4000 বাইক পুরো কুলটির প্রত্যেক প্রান্ত থেকে প্রত্যেক লিডারশিপের নেতৃত্বে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমাদের রুট হচ্ছে আমরা এখান থেকে বরাকর হয়ে নামতপুর হয়ে আমরা এটা শেষ করব। আমাদের যে মোদি সরকার যে সরকার এখন চলছে এই সরকারের যে সমস্ত জনবিরোধী নীতি তার এগেস্টে আজকে প্রতিবাদ করে আমাদের আজ এই র্যালি, আজকে আমাদের এই র্যালি কুলটি ব্লকের ঐতিহাসিক দিন সৃষ্টি করছে। কত দূর পরিক্রমা হবে? আমাদের পরিক্রমা আমাদের এখান থেকে চালু হয়ে আমাদের বরাকর হয়ে কুলটি হয়ে আমাদের নেমতপুরে শেষ হবে। राजनीति पर खास चर्चा कार्यक्रम हमारा चल रहा है इन दिनों और हर रोज़ हम किसी न किसी राजनीतिक पर्सनालिटी से बात कर रहे हैं, राजनीतिक व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। ऐसी ही शख्सियतों से हम बात कर रहे हैं लगातार। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी शख्सियत है चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो तो आप हमसे संपर्क करें, हम उन्हें भी आप तक पहुँचाएँगे, जनता तक पहुँचाएँगे, आवाम तक पहुँचाएँगे। और इन्हीं बातों के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ संपर्क बनाए रखें, हमें सुझाव देते रहें, हमें इंतज़ार रहता है आपके सुझावों का। नमस्कार।